नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज 15 जून है और पिछले 1-1.5 वर्षों से शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरीके से बाधित हैं प्रदेश भर में। हम बात करें शैक्षणिक गतिविधियों की विद्यालयों की, तो विद्यालय ही वो संस्थान होते हैं जो किसी राष्ट्र के राष्ट्र निर्माण के भविष्य को तय करते हैं। लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से पिछले 1-1.5 साल से जो लॉकडाउन लगा रहा, उसके कारण से विद्यालयों को पूरी तरीके से बंद रखा गया और इन शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन न होने की वजह से विद्यालयों से जुड़े हुए, चाहे वो छात्र हों, अभिभावक हों, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हों, विद्यालय संचालक हों, या पुस्तक और ड्रेस जैसे जरूरी सामानों को वितरित करने वाले, विक्रय करने वाले व्यापारीगण हो, सभी को जीवन में बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या फिर ये कहें कि विद्यालय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक आर्थिक सुनामी की तरीके से यह दौर रहा है। इस दौर में किन समस्याओं का सामना विद्यालय संचालकों के द्वारा किया गया और किया जा रहा है, साथ ही साथ कैसे विद्यालयों को पुनः सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, विकल्प क्या हैं, विकल्पों की चर्चा करेंगे, समस्याओं की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके समाधान हेतु सुझावों की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष मुन्नीलाल वर्मा जी। साथ ही साथ आप मेरे बगल में भरद्वाज एकेडमी प्राइवेट विद्यालय के, जो एक प्राथमिक विद्यालय है, के संचालक प्रदीप द्विवेदी दीपू पंडित जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं मुन्नीलाल जी, आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज़ पर। आपका भी स्वागत है। और मैं जी ML वर्मा जी, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष PSA सिरमौर जी, आप सभी लोग इस ऐसी खबर जो देश के भविष्य से जी, देश के बच्चों से जुड़ी हुई है, उसको आप लोगों ने ये प्रकाशित करने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे बीच इस ब्लॉक के सचिव दीपू पंडित जी पधारे हैं, वो भी, उनकी भरद्वाज एकेडमी है, वो भी बच्चों के लिए काफ़ी विगत 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपसे चर्चा करेंगे इस संबंध में, धन्यवाद। दीपू जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज़ पर, आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप एक विद्यालय संचालक हैं और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा ज़िले के ब्लॉक सिरमौर के सचिव हैं, तो एक विद्यालय संचालक के तौर पर पिछले 1-1.5 वर्षों में जो आर्थिक सुनामी कहें या फिर शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में जो कमी आई है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम अनूप जी। आज यह मुद्दा बहुत गंभीर है जी, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे त्वरित और ज्वलंत मुद्दे पर शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। और बच्चे, हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं जी। और मैं एक प्राइवेट स्कूल संचालक के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि सभी छात्रों का नुकसान हुआ है इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन के चलते, किंतु जितना छोटे बच्चों का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था, वो स्कूल जा नहीं पाए, तो उनके मन के भीतर जो एक उत्साह था वो उनका कम हुआ। और जो उसके बाद के बच्चे अब धीरे से तैयार हो रहे हैं पीछे से, उनके आगे, उनके पीछे वाले बच्चे, वो बेचारे स्कूल को जान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। और जो एक आध साल गए, उनका भी बीच में ब्रेक हुआ। तो मैं विशेष छोटे बच्चों को लेके विशेष ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों का ही हुआ। और जितना 1.5 साल स्कूलें बंद रहीं, इसको सुचारू रूप से चलने में अभी 3 वर्ष का समय लगेगा, तब उनकी जो कमी हो पाई है वो पूरी हो पाई। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय संचालकों को के ऊपर जो भार आया है इस कोरोना लॉकडाउन के चलते, वह बहुत ज़्यादा है। भवन का किराया, बिजली और पानी का बिल, रख रखाव का खर्च और विद्यालय वाहन की किस्तें, यदि इन चारों चीज़ों को मिला दिया जाए
तो 50 से 60 हजार रुपये प्रारंभिक स्तर पर भार आ रहा है मासिक है ना, जो साल में 6 से 7 लाख रुपये पहुंच जाता है और डेढ़ वर्ष में 9 से 10 लाख रुपये हो गया है और अभी आगे भी कोई संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो प्रत्येक विद्यालय संचालक प्राथमिक स्तर का, उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक का, मैं पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, केवल पंचमी और आठवीं के विद्यालय संचालकों और प्ले स्कूल जो शहरों में और गांवों में छोटे स्तर पर चल रहे हैं उन पर 10-10 लाख रुपए का कर्ज आज की स्थिति पर हो गया है। इसके लिए शासन को अपना, इस पर शासन को अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। शासन के पास विषय विशेषज्ञ हैं, उनको इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और कुछ न कुछ इसका निराकरण करना चाहिए। जी, और जैसा कि अभी विद्यालयों को लेकर के जो उनके सामान्य खर्चे हैं उनको लेकर के दीपू जी ने अपनी बात रखी, मध्य प्रदेश या पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो किराए की बिल्डिंग्स में संचालित हो रहा है और उसके साथ जो बिजली का व्यय है, जो पानी का व्यय है, जो विद्यालयों के रख रखाव का व्यय है, तो ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाला एक खर्च है, वाहन किस्त है, तो एक लगातार चलने वाला खर्चा है। तो सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या विकल्प आप एक विद्यालय संचालक, चूँकि आप एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए क्या सुझाव आप सरकार को या क्या विकल्प सरकार को सुझाना चाहेंगे? निश्चित रूप से COVID-19 के कारण जो ये लॉकडाउन लगभग 16 महीने का चला, विगत मार्च से अभी तक सभी विद्यालय बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सभी जो स्टाफ था, स्टाफ प्रभावित है। स्टाफ बेचारे, आप जानते हैं कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो शासन के बराबर वेतन नहीं दे पाती हैं, जो कुछ भी उनको मिलता था वो भी जब शुल्क नहीं आ रही है, बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं और शासन भी जो आदेश जारी कर रहा है शुल्क लेने के संबंध में वो मात्र शिक्षण शुल्क, बीच बीच में उसमें भी मिसगाइड कर देता है शासन कि TC दी जाए बिना शुल्क के दी जाए। इससे अभिभावकों के और जो स्टाफ है, विद्यालय के संचालक है, उनके दोनों के मन में भ्रांतियाँ हैं। इसीलिए जो विद्यालय का एसोसिएशन बना है उसके प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं, उनके आह्वान पर हम सभी लोगों ने अभी 12 जनवरी को SDM साहब को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है, जिसमें विद्यालय के की पहली मांग है उसमें कि जो RTE का पैसा है वो दिया जाए और कोरोना काल में आर्थिक पैकेज दिए जाएँ और मान्यता नवीनीकरण 24-25 तक कक्षा 1 से कक्षा 12 तक बिना किसी परीक्षण के निरीक्षण के दी जाए और संबद्धता शुल्क, मान्यता शुल्क के सभी माफ़ की जाएँ और बिजली बिल और जो वाहन के किस्त हैं इसको भी माफ़ करने के संबंध में सभी पूरे प्रदेश में, प्रदेश के साथ साथ हम लोगों ने ब्लॉक में भी ज्ञापन दिया है SDM साहब को और 13 तारीख को फिर जिलाध्यक्ष के माध्यम से DO साहब, जिला शिक्षा अधिकारी को हम लोगों ने सभी विद्यालय की चाबी रख, 1200-1300 जिले में विद्यालय की चाबी उनको DO साहब को दी गई। DO साहब ने चाबी लौटाते हुए आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को त्वरित आज ही हम ऊपर भोपाल के लिए भेज देंगे। भोपाल में जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने भी शिक्षा मंत्री एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ये शिक्षा विभाग से भी उन्होंने चर्चा किया है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी जो मांगे हैं उन सभी मांगों को पूर्ति कर रहे हैं और आदेश जारी कर रहे हैं उन्हीं के आह्वान पर कि आप विद्यालय ऑनलाइन चालू करें। उन्हीं के आह्वान पर हम लोगों ने फिर से और अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोगों ने आज से फिर ऑनलाइन कक्षाएँ चलाना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो शासन का जो शासन के कार्य हैं उन लोगों को हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के रूप में करने का निर्णय लिया है कि जो भी शासन के कार्य होंगे उनमें हम लोग असहयोग करेंगे जब तक शासन हम लोगों की सुविधाएं जो हमारी मांग है, जायज़ मांगे हैं, उनको नहीं दी जाती। और ये भी मांग की गई है कि विद्यालय खोलने की तत्काल अनुमति दी जाए, SOP का पालन कराया जाए, जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको पालन कराते हुए विद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। जैसे R11 होता है उसके तहत विद्यालय कुछ बच्चे आ जाएँ,
अल्टरनेट करके आएँ और विद्यालय चले। जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे बस में जा सकते हैं और जगह जा सकते हैं तो विद्यालय क्यों नहीं आ सकते हैं, इसलिए विद्यालय बच्चे आएँ, विद्यालय खुले और उनकी पढ़ाई चालू हो, उनकी जो दिमाग है कुंठित होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के पास ग्रामीण स्तर में मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो उनके पास पैकेज भराने के लिए नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आर्थिक समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्या आ गई है विद्यालय टूटने की कगार पर पहुंच गई है, जो विद्यालय किराए में है, स्टाफ का वेतन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आर्थिक पैकेज भी मांग की गई है और शासन इस संबंध में आश्वासन दिया है। देखिए हम लोग अभी उस आश्वासन के तहत हम लोगों ने आज से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। अगर शासन फिर से अपने रवैया पर बाध्य होता है, नहीं हम लोगों की मांगों को नहीं मानता है, तो हम लोग फिर से बैठ करके बैठक करके अगला एक्शन लेंगे और शासन के खिलाफ बृहद रूप से एक जन आंदोलन चालू करेंगे। धन्यवाद। और जैसा कि अभी आरटी की बात आई हमारे सामने, आप एक प्राथमिक विद्यालय संचालित कराते हैं, तो आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालयों 25% छात्रों को छूट दी जाती है और ये भी एक अनियमितता के दायरे में आता रहा है। पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं कि आरटी का जो पैसा होता है प्राइवेट विद्यालयों को समय पर उपलब्ध नहीं होता है। क्या कोविड काल के दौरान इसको लेकर के कोई नियमितता सरकार के द्वारा बरती गई या फिर अभी भी आरटी का पैसा प्राइवेट विद्यालयों का अटका हुआ है? बहुत सारी प्राइवेट विद्यालयों की राशि अभी उनके द्वारा दी नहीं गई है जी, और कुछ 20% दिया गया है जी, जो अब ऐसा लग रहा है उनके रवैये से कि अब अगला वो 20% के बाद नहीं दिया जाएगा जी। तो इससे विद्यालय संचालकों के ऊपर बहुत भार आया है जी। और सबसे बड़ी बात जो इसका वेरिफिकेशन का सिस्टम है जी, वो इतना जटिल है भाई। जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया था उनके अलग नंबर थे जी, और आज स्थिति यह है कि सबके नंबर हैं और वो नंबर आज बंद हैं जी, और बिन उन नंबरों के वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है जी। अब अभिभावक तो वहाँ जा नहीं रहे हैं, वो ऑनलाइन आवेदन करके हमको अपना आवेदन दे के चले गए जी। अब उसको हम वेरिफिकेशन कराने में विद्यालय संचालकों की फजीहत हो रही है जी, है ना, जो बहुत कठिन है। इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव विकल्प बनाना चाहिए जी, और इसको अभी प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार कर लेना चाहिए जी। फिर इसके बाद जब अगली बार वेरिफिकेशन होगा तो आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे। अभी एडमिशन में भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं जी, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सरलतम प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके जी। और जैसा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऑर्डर इवन पे चलाए जाए जी, तो आपका सुझाव बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि सिनेमा घर चालू हैं 50% क्षमता के साथ, बाज़ार 100% क्षमता के साथ, जो अन्य ट्रांसपोर्ट वाहन हैं बसेस और ट्रेनें ये सब 100% क्षमता के साथ हैं। तो यदि इनको खोला जा रहा है तो विद्यालय को भी ऑड इवन तरीके से हम कहते हैं दो चरणों पे ना खोल के 3 चरणों पे खोल दें, है ना, 33% क्षमता के साथ खोल दें, तो सोमवार मंगलवार एक बैच, बुधवार गुरुवार दूसरा बैच, शुक्रवार शनिवार तीसरा बैच, तो बच्चों का जो एक रूटीन 1.5 साल से ब्रेक हो गया है वो रूटीन बनेगा और उनके मन में विद्यालय के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, तब जाके धीरे धीरे साल भर बाद ये स्थितियां संभल पाएंगी और बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो बढ़ेगा, जो कि जैसा कि आपने वर्मा जी ने बताया कि पूरी तरह बाधित हो गया है। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, बच्चों का से रिलेटेड हम लोग काम ही कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ML वर्मा जी का जो सुझाव है उसको पूर्णतः 100% सरकार को मानना चाहिए और यदि कोई उसमें बाधा है तो उस पर विचार करें। सरकार के पास एक्सपर्ट्स हैं, है ना, IAS हैं, IPS हैं और अन्य विभागीय एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सलाह लें और इसको चालू करें जी। और जैसे 9 से 12 चालू किया गया था पिछले साल, तो प्राथमिक स्तर पर भी चालू करें। बाकी सारी चीज़ें चालू की जा सकती हैं, तो विद्यालय पर ही बात क्यों अटक रही? मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि नई शिक्षा नीति को लेके जो केंद्र सरकार है जो नई शिक्षा नीति ला रही है और जो हमारी प्रदेश सरकार है,
वो एक प्रायोजित तरीके से प्राइवेट स्कूलों को बंद चाहती है कि बहुत सारी स्कूलें बंद हो जाएं, तो उसका लाभ सीधे सीधे उनके शैक्षणिक संस्थान, जो उनका संस्थागत शैक्षणिक संस्थान सरस्वती विद्यालय है, उनको सीधा सीधा लाभ मिले, मुझे अब सरकार की मंशा पर शक हो रहा है। और जैसा कि हिंदुस्तान का एक बड़ा जो जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या गांवों में निवास करती है, आज भी आप अभिभावकों की तरफ जब देखते हैं तो आपको भी पता चलता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अभी आपने सरकारी निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने की बात कही, तो भारत जैसे देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी कई सारे पिछड़ों इलाकों में जो प्राइवेट विद्यालय संचालक हैं, तो उनके लिए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फिर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करना कितनी बड़ी समस्या है या किस हद तक सफल हो रहे हैं आप? बहुत बड़ी समस्या है निश्चित रूप से, क्योंकि ग्रामीण एरिया में बहुत लोगों के पास और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं विशेषकर, उनके पास स्मार्टफोन है नहीं जी। स्मार्टफोन है नहीं, उनके पास पैकेज भी नहीं है जी। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, 10-20% हैं जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं अब भी नहीं जानते। और बहुत सारे हैं जो चलाना भी नहीं जानते हैं, तो इस तरीके से बड़ी समस्या है ऑनलाइन क्लासेस में। और इसका समाधान ऑफलाइन ही है, 8/11 के तहत और SOP का पालन करते हुए जो कोरोना की गाइडलाइन है, और विद्यालय खोला जाना अत्यंत आवश्यक है राष्ट्र के लिए, बच्चों के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। और RTE का तो जैसा अभी हमारे सचिव महोदय ने कहा है, RTE का पैसा हमारा ही नहीं मिला, 13-14 से नहीं मिला, आज तक 16-17 का हमने प्रपोजल भी जमा कर दिया, सन 2013-14 के सत्र से लेकर के 19-20 तक अभी तक नहीं मिला। पिछले 10-11, 11-12, 12-13 तीन वर्षों का मिला था, और फिर 13-14 से आज तक नहीं मिला, 19-20 तक नहीं मिला, 16-17 का हमने प्रपोजल ऑनलाइन हो गया, 16-17 से 16-17 का और 17-18 दो वर्ष का प्रपोजल भी हमने जमा कर दिया है, कहीं नोडल नहीं मिलेंगे, कहीं ये नहीं मिलेंगे, आधार हर वर्ष एक बच्चे का एक क्लास में हो जाए आधार फिर वेरिफिकेशन ठीक है, लेकिन हर वर्ष उसका आधार वेरिफिकेशन हो, और जैसा आप कहते हैं कि आधार में जो मोबाइल नंबर है वो दूसरे बदल जाते हैं, तो आधार वेरिफिकेशन हो नहीं पाता, बड़ी दिक्कत जाती है। RTE का पैसा लगभग ये जो राशि है 2014 से लेकर के 2020 तक की, तो लगभग कितनी राशि होगी ये? लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ हमारा, और लगातार अभी भी लगातार अभी नुकसान हो रहा है। अब हमारी विद्यालय हाई स्कूल तक है, और लगभग हम 1.25 लाख प्रतिमाह स्टाफ वेतन में जाता है, और अन्य खर्चे हैं विद्यालय के, चाक दफ्तर स्टेशनरियाँ बहुत सारी व्यवस्था में, बिजली बिल है, बहुत सारे खर्चे हैं, इस तरीके से लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और 16 महीने से बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम शासन ऐसी समझ का करे कि बिजली का बिल तो माफ़ कर दे उन्हें, अन्यथा ये बहुत सारी विद्यालय जैसा आपने कहा बहुत सारी विद्यालय बंद हो जाएंगी, और शासन के पास व्यवस्था भी नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं कि शासन सबको पढ़ा सके, अपनी विद्यालय में शासकीय विद्यालय में बैठा करके पढ़ा सके, न भवन है न उसके पास स्टाफ है। प्राइवेट विद्यालय बहुत बड़ा योगदान है, प्राइवेट विद्यालय 60% बच्चों को पूरे प्रदेश में शिक्षा दे रही है, 30-40% ही शासकीय दे रही है, तो विद्यालय शिक्षा दे रही है, तो इसलिए प्राइवेट विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है, और प्राइवेट विद्यालय कम से कम शुल्क में बहुत बड़ी सुविधा, यहाँ तक कि जो शासकीय शिक्षक हैं उनके बच्चे हम लोगों के विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर विद्यालय जो शासकीय इतनी परफेक्ट होती तो उनके बच्चे आज अपने ही विद्यालय में पढ़ाते। एक बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं कि अगर सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं इतना सुचारू रूप से संचालित होती हैं तो फिर आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग समय देते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं, उसमें संचालक होते हैं, और 24 घंटे विद्यालय की मैनेजमेंटिंग व्यवस्था देखते हैं, शैक्षणिक व्यवस्था देखते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन शासकीय स्कूलों में ऐसा कोई पद नहीं होता जो देख सकें, जो शिक्षक हैं उनको, उनके लिए कहीं मध्याह्न भोजन है, कहीं दूसरे काम है, कहीं मैपिंग है, कोई काम ऐसे दे दिए जाते हैं, स्टाफ की कमी भी है, इसलिए वहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ नहीं हो पाती। हम ये नहीं कहते हैं कि विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उनको बहुत सारे कार्य दिए गए हैं, योग शासकीय स्कूलों में बहुत योग शिक्षक हैं, हम लोगों के पास उतने योग शिक्षक नहीं हैं, लेकिन हम लोग समय
और उसका मैनेजमेंट की व्यवस्था में इतने चुस्त दुरुस्त हैं कि हम लोग उनसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा देते हैं। रिजल्ट भी देख लीजिए, पूरे प्रदेश में जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनका रिजल्ट बेहतर रहता है शासकीय विद्यालयों की अपेक्षा। इसलिए शासकीय अशासकीय जो विद्यालय हैं उनको जीवित रखना, उनको चलाए रखना, ये शासन का भी दायित्व बनता है कि हम उनको आर्थिक पैकेज दें जिससे हमारे राष्ट्र के निर्माण में, जो शिक्षा के निर्माण में जो कार्य कर रही हैं वो करती रहें। धन्यवाद। और जब जनता के बीच हम भी जाते हैं, जब लोग अभिभावकों के बीच हम भी जाते हैं, तो फीसेस के बारे में जो एक अवधारणा है, तो लोग कहते हैं कि जब विद्यालय पढ़ा ही नहीं रहा तो फीसेस क्यों दें। और विद्यालय संचालकों के लिए भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उनके लिए भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो पिछले 150 वर्षों से जब विद्यालय बंद हैं, अभिभावकों से जब आप लोग फीस के लिए बात करते हैं, तो किस हद तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और विद्यालय संचालक और अभिभावक के बीच की जो ये खाई है संबंधों की, वो कितनी गहरी हो चुकी है? लेकिन निश्चित रूप से 150 वर्षों में दोनों जन के बीच में बात संवाद की कमी आई है, जो महीने में एक बार हो जाया करता था सभी, कम से कम। वैसे तो हम लोगों का 2 से 3 बार हो जाता था, क्योंकि हम लोगों के अभी छोटे बच्चे हैं, तो मैंने हर हफ्ते उनकी रिपोर्टिंग बात संवाद टेलीफोन से हो जाता था, टेलीफोन से दूसरे तीसरे दिन मिलना जुलना हफ्ते में या कि 15 दिन में हो ही जाता था। जो भी उनकी शिकायतें सुझाव थे वो लिए जाते थे, उसके अनुसार पर उनको सुधारने का काम किया जाता था। किंतु स्कूलें जब से बंद हैं, तो मैं तो ये मेरा ये खुद का अनुभव है कि अगर माना जाए कि 10% फीस भी अभी तक नहीं आ पाई। पिछली फीस, मैं इस लॉकडाउन अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली फीस भी 10% नहीं आ पाई है जो कि पेंडिंग थी। और हम लोगों ने एग्ज़ाम रखे थे और एग्ज़ाम के पहले ही लॉकडाउन लग गया, तो जब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए तो इसके कारण बहुत सारी फीसेस हम लोगों की ड्यू थी। और जो ज़्यादातर फीसेस एग्ज़ाम टाइम पे ही लोग देते हैं या कि रिज़ल्ट के टाइम पर देते हैं बची, और एडमिशन के टाइम पर देते हैं, 3 बार भी जो बचाव मिलता है वो नहीं मिल पाया। और अभिभावकों की भी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, लॉकडाउन के कारण उनका रोजी रोजगार चला गया, तो उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं बनाया जा सकता। और लोग अपने परिवार का और खर्च का समस्या वाली खर्च उठाने में, और इस बीमारी में जिनके घर के परिजनों को कोविड पॉजिटिव हुए या कि अन्य प्रकार की बीमारियां थी, तो बेरोज़गारी के चलते वो अपनी खुद की समस्याओं से ही इतना पीड़ित हैं कि हम लोगों के तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। और स्कूल जब चालू होगा तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनेंगी, और मैं ऐसा मानता हूं कि स्कूलों को अब जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। चाहे अब सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं, अपने वो विकल्पों को तलाशे और उन पर विचार करें और उसको लागू करने का प्रयास करें, अन्यथा बच्चों का जो मानसिक क्षति हो रही है, बौद्धिक क्षति जो हो रही है, उसकी भरपाई करना फिर कठिन हो जाएगा। मैं तो नहीं कहता कि ना कठिन हो जाए। और इसके साथ ही साथ, जैसा कि अभिभावकों के पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार से अगर आप पैकेज की मांग करना चाहें, तो किस तरीके से, किन विकल्पों को तलाश करते हो आप सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करते हैं? जैसे COVID-19 काल में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको, और जो रिक्शा ठेला वाले हैं उनको, और कई ऐसे जो किसानों को सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया, कुछ न कुछ मदद किया है। तो हम चाहेंगे कि चूंकि विद्यालय के जो शिक्षक हैं आज ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज हैं, उनके खाते ले लिए जाएं, उनके खातों में जो 5,000-10,000, कम से कम 5,000 एक शिक्षक को प्रत्येक माह दे दिए जाएं, ये सबसे अच्छा रहेगा। जो तरीका है स्कूल के पोर्टल और डीओ साहब के पोर्टल में वो दर्ज है, उनके पोर्टल से उनके नाम पते और खाते नंबर मंगवा लिए जाएं, उनके नाम पते दर्ज हैं, उनकी एजुकेशन दर्ज हैं, उनके खाते ले लिए जाएं, उनके खातों में पैसा हर महीने डाल दिया जाए, तो सबसे अच्छा रहेगा। यही इसी प्रकार से, या कि ऐसा ना दें तो विद्यालय के नाम से पैकेज दे दें, आखिर आर्थिक पैकेज दे दें 50,000 1,00,000 रुपये महीने, और कम से कम कुछ
जिससे यह है कि एक शिक्षक का जीवन और परिवार चल जाए, इस तरीके से आर्थिक पैकेज दिया जाए। न्यूनतम सहायता राशि जितनी भी हो तो सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए, करानी चाहिए निश्चित रूप से करानी चाहिए। नहीं कराएंगे तो आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। बहुत सारे आज शिक्षा के अन्य काम, बहुत सारे काम ऐसे काम हैं कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। बेचारे परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, बीमार, उनके घर में भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, परिवार बीमार हो जाते हैं, भोजन की सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए सरकार को आर्थिक पैकेज देना चाहिए, और हम लोगों ने PSA के माध्यम से आर्थिक पैकेज की मांग की है। जो 6 मांगों को आपने मांगा है अपने मांग पत्र के द्वारा, वो कौन सी मांगे थी? वही कि कोरोना काल में RTE का भुगतान किया जाए, मान्यता बिना निरीक्षण परीक्षण की दिया जाए, क्योंकि कोविड अभी विद्यालय सभी बंद हैं। इस समय अगर निरीक्षण परीक्षण कराया जाता है तो न शिक्षक मिलेंगे न छात्र मिलेंगे, इसलिए बिना निरीक्षण और परीक्षण के कक्षा 1 से 12 तक की मान्यता 24-25 तक दी जाए, जैसे पिछले 19-20 और 20-21 दो सत्रों की मान्यता दी गई है, तो उसी प्रकार से अगले सत्र 23-24-25 तक की मान्यता दी जाए। और इसमें विद्यालय खोलने के लिए हम लोगों ने मांग किया है जी। इस तरीके से 5-6 मांगे हैं, मांगों का जो ज्ञापन पत्र है रखा है हमारे पास, उसको हम आपको एक कॉपी दे भी सकते हैं। जो ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं तो उसके अंतर्गत जो शिक्षक आते हैं तो उन शिक्षकों का भुगतान विद्यालयों के द्वारा किया जाता है या फिर उनमें भी व्यवधान और अभी रुका हुआ है? नहीं, जो जब जैसे COVID-19 का काल नहीं था जी, जो शिक्षक विद्यालय में कार्यरत थे उनको प्रत्येक माह जो शैक्षणिक शुल्क मिलती थी उसके हिसाब से उनको प्रत्येक माह पारिश्रमिक दिया जाता था जी। वर्तमान की बात हम पूछ रहे, वर्तमान में चूंकि पिछले वर्ष कक्षा 9 से अपनी विद्यालय हाई स्कूल तक है, कक्षा 9 से 10वीं तक 21 सितंबर से विद्यालय चली है, उस अवधि का 50% अभी तक हम लोगों ने अप्रैल तक का वेतन दिया है। सितंबर से अप्रैल तक का 50% सभी स्टाफ को वेतन हम लोगों ने दिया, जो स्टाफ उसमें कार्य कर रहे थे। लेकिन जो स्टाफ नहीं थे कक्षा KG से लेकर के 8वीं तक, उनको हम लोग पिछले 20 मार्च से अभी तक नहीं दे पाए हैं, क्योंकि विद्यालय में है ही नहीं है, पैसा नहीं है, आ ही नहीं रहा, फीस नहीं आ रही तो कहाँ से देंगे, जब फीस आएगी तभी तो वेतन मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो विद्यालयीन गतिविधियों से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वो पुस्तकों से जुड़े हुए हों, चाहे ड्रेस मटेरियल से जुड़े हुए हों, या फिर अन्य संस्थान जो ऐसे हैं व्यापारी वगैरह हैं, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप उनसे मुलाकात करते हैं? निश्चित रूप से मुलाकात होने पर अपनी समस्याएं बताते हैं। जो बेचारे पुस्तक का व्यापार किए थे उनकी पुस्तकें नहीं बिक रही हैं, 2 वर्षों से रखे हैं, कोई कॉपी किताब पुस्तकें कुछ नहीं, उनकी कोई सेल नहीं हो रही है, ड्रेस वाले नहीं, ड्रेस सेल नहीं हो रहा है, इसलिए सबके पास परेशानी है। वो जो संस्था है, संस्था से जुड़े जो व्यवसायी हैं, जो गतिविधियाँ हैं विद्यालय जिनसे वो सभी लोग प्रभावित हैं और सभी लोग परेशान हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि विद्यालय तत्काल खोले, SOP का पालन करते हुए तत्काल विद्यालय खोलने की अनुमति दें जी। और जो ये आर्थिक संकट गहरा रहा है तो किस हद तक जो है तो अब समस्याएं बढ़ चुकी हैं? देखिए, पूरे देश के भीतर जहाँ विद्यालय बंद हैं जी, वहाँ सभी प्राथमिक स्तर तक की अगर बात की जाए तो आज तक 10 लाख रुपए तक का कर्ज प्रत्येक विद्यालय संचालक पर है, और यदि ये स्कूलें नहीं खुलेंगी तो वो विद्यालय पूर्णतः टूट जाएंगे और वो कर्ज में हैं, तो उनकी आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, अब समझ पाना सरकार के लिए बहुत कठिन लग रहा है मुझे, लेकिन सरकार को जिस स्थिति पर आज है उन्हें समझना चाहिए जी, और विद्यालय संचालकों को इस गंभीर समस्या से निजात दिलाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय प्राइवेट विद्यालय संचालकों द्वारा 60-70% तक शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, और शासन अपने स्तर पर आप आंकड़े देख लीजिए, शासन प्रशासन के पास मुश्किल से 30-35% तक स्कूलें हैं गवर्नमेंट, और प्राइवेट स्कूल देखिए क्या है कि गवर्नमेंट की स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं
वो इतनी लचर हैं कि कोई भी जागरूक व्यक्ति वहाँ अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता। इवन जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो अपने बच्चों को हमारे प्राइवेट स्कूल में, सभी प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, और प्रारंभिक स्तर पर भी छोटे, मजबूरी जिसके पास बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके पास बिल्कुल भी आमदनी का साधन नहीं है, उन्हीं के बच्चे प्राथमिक विद्यालय पे जा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश से प्राइवेट स्कूलों की संख्या कम हो गई तो इसका असर आगे आने वाली पूरी शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ेगा, है ना, जो बहुत गंभीर स्थिति होगी और शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। जी 70% प्राइवेट स्कूलों पर आधारित है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें 10-20% ही विद्यालय सफर कर पाएंगे, बाकी के विद्यालय जो हैं तो वो बंद कर देंगे। जी आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया और अपने विद्यालयों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के, उनके सुझावों और विकल्पों को लेकर के भी चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से शिक्षा ज्ञान का निर्माण करती है और ज्ञान से मनुष्य इस संसार का मुकुटमणि है जी। और अगर ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से मानव पशुपद है जी। और जब शिक्षण संस्थाएं नहीं होगी तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा जी। इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस मानव के ज्ञान के लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और विद्यालय खुलनी चाहिए। विद्यालय और शैक्षणिक गतिविधियों पर शासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, आर्थिक पैकेज देना चाहिए शासकीय विद्यालयों को, और खोलने की अनुमति भी देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्राइवेट विद्यालय से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने अपनी समस्याओं और उन समस्याओं का समाधान आखिर कैसे किया जा सकता है, उन विकल्पों की भी चर्चा की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में भारी मात्रा में प्राइवेट विद्यालय संचालित होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 1-1.5 वर्षों से अनवरत वो विद्यालय संस्थान बंद हैं। ऐसे में बिजली, पानी, वाहन के जो किस्त आती है उसके अतिरिक्त भी कई सारे खर्च हैं जिसका भुगतान वो नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जो ये आर्थिक सुनामी उनके ऊपर आ रही है, साथ ही साथ जो विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक हैं, विद्यालय से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग हैं, उनके ऊपर जो आर्थिक गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं वो निकट भविष्य में टलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अब ऐसे में सरकार को भी यह निर्णय लेना चाहिए, यह विकल्प तलाश करने चाहिए, आखिर इन संचालकों जिनके घर का जीवन यापन इन विद्यालयों के माध्यम से ही चलता है, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और निकट भविष्य में क्या सहायता की जा सकती है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।